परसों कॉन्फिडेंस पोर्शन ले रहा हूं। ये आपका जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, आराम से हाथ खड़े करें, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला कर इत्माद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई रहनुमा इत्तेहादी आज इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। हुकूमती जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इत्माद की तहरीक का अमल कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को इत्माद मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन का अहम अजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के बयान का जायजा लिया जाएगा। अजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से मामलात और हुकूमत के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद इंतबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदाद। ब्रायलर मुर्गी की कीमतें बेकाबू। लाहौर में कीमत मजीद 6 रुपए महंगी 355 रुपए किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 378 रुपए किलो हो गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी 261 रुपए किलो हो गई। इंसानी हमदर्दी का मिशन पाक बहरी का जहाज PNS नसर ज्योति और सूडान से होता हुआ मगरबी अफ्रीकी मुल्क बिनाइन पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरी की जानिब से बिनाइन और नाइजर के कुदरती आफात से मुतासर आवाम को इमदाद सामान फराहम किया। मिशन कमांडर ने दोनों ममालिक के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी की। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन पाकिस्तान बल्लेबाज आजम खान की गुलकारी के मदाह निकले। फास्ट बॉलर ने आजम खान की गुलकारी को सोशल मीडिया पर नशर किया। डेल स्टेन ने आजम खान की बैटिंग की तारीफ की।